लेकिन मैंने क्यों फॉर्च्यूनर खरीदी आज आपको बताएंगे, प्यार से निकालेंगे। बढ़िया यार, काफी मस्त, एकदम खुश हूँ मैं बहुत यार। तुम वो वाले हो जो पेन में प्लेजर आता है। लेट्स गो। हेलो नमस्कार, कैसे हो आप? मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हम सलीम खान, वेलकम टू माय यूरोप चैनल MSK। आजकल मैं जब सो रहा हूँ ना, मेरे को सपने भी फॉर्च्यूनर के आ रहे हैं। मैं ट्रिप कर रहा हूँ यहाँ वहाँ, आप लोगों ने देखा होगा मैंने चार गाड़ी का टेस्ट राइड लिया था। लेकिन मैंने क्यों फॉर्च्यूनर खरीदी आज आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम चलेंगे बाहर। क्या ही लग रहा है चाबी यार, क्या ही लग रहा है, फॉर्च्यूनर की चाबी नहीं भूल सकता मैं। इसको हाथ में लेने के बाद एक अलग सी फीलिंग है भाई। That's what she said. तो अभी हम जा रहे हैं हमारी नई गाड़ी भगवान के पास, और वो मेरे घर से 2 किलोमीटर बाद एक जगह है पार्किंग की, वहाँ पर मैंने पार्क किया है, तो वहाँ पर जाके बाइक पार्क करेंगे, वहाँ से अपनी गाड़ी उठाएंगे नई नवेली और मुंबई की सड़कों में चलाएंगे। ये देखें हमारी फॉर्च्यूनर नई नवेली, अभी तक हमने ये भी नहीं निकाला इसका। जिस दिन हम इसको लेने के लिए गए थे उस दिन ये गाड़ी खड़ी थी, चलते हुए कैसी दिखती है, क्या खूबसूरती इसकी बाहर से लगती है, वो हमने नहीं दिखाया था आपको, ना ही हमने खुद देखा था। तो आज हम वो करेंगे। चाबी इधर है, करने की जरूरत नहीं, ये दबा दो अपने आप खुल जाएगी। क्या बात कर रहे हो, चाबी दो, करो प्रेस करो। अरे अरे हुआ, बवाल सिस्टम है भाई, बवाल, कीलेस एंट्री भाई, अपनी एंट्री की लेस है। ये जो बंदा है ना, इसको मेरे से ज्यादा गाड़ी की नॉलेज है, बहुत कीड़ा है इसको गाड़ी का। गाड़ी को निकालने से पहले सबसे पहले इसमें जितनी भी प्लास्टिक लगी हुई है वो सब निकाल दूंगा, प्यार से निकालेंगे। नई नई गाड़ी अनबॉक्सिंग। ये गाड़ी के पेपर इधर रख देंगे, नीचे भी जगह है क्या? अरे हाँ यार, यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर भी है। अच्छा, एक्चुअली सब मैंने देखा था, भूल गया हूँ मैं। इसका टेस्ट ड्राइव लेके कितना टाइम हो गया, काफी महीने हो गए। ये सब किस लिए? ये क्या चीज है? F4, फॉर्मूला 4 है वो। जब पोलो में चालू करते थे तो एक चाबी होती थी, घुसाते थे ऐसे, घुमाते थे। इसके लिए कुछ नहीं, ब्रेक पे पैर रखना है। सूट हो रही है गाड़ी, सूट हो रही है ना, सूट हो रही है। अबे यहाँ पर एक प्लास्टिक रह गया। It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope. जब मैंने गाड़ी के डिलीवरी लिया था ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है। आज जाके मेरे को यकीन हुआ है कि हाँ भाई, तेरे पास फॉर्च्यूनर है। आप लोगों ने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, पहले मैंने कहा कि भाग्यवान। अभी ना रिसेंटली मैंने मूवी देखी थी सूर्यवंशी, उसमें अक्षय कुमार रणवीर सिंह को बोलता है कि हिंदी में बात कर, तो कहता है कि एक बिच्छू निकली है यहाँ से और एक भाग्यवान निकली है। बिच्छू का मतलब स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर मतलब भाग्यवान, तो इसलिए मैंने भाग्यवान कहा। बढ़िया यार, काफी मस्त, एकदम खुश हूँ मैं बहुत यार आज। मतलब ये एक जो फीलिंग है ना, ये मतलब मैं बयां नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है ये शॉर्ट टर्म है, ये ज्यादा टाइम तक रहेगी नहीं, बस एक हफ्ता एक महीना समझ लो, उसके बाद ये फीलिंग निकल जाएगी। ये हमेशा मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ होता है, जब R1 लिया था तब भी ऐसे ही था। एक महीने तक बहुत एक्साइटमेंट था, एक खरोच नहीं लगना चाहिए, कोई कौवा हगा तो कौवे का मर्डर कर दूंगा ऐसा फीलिंग आता था। एक महीने बाद फिर वो ऐसी जगह मैंने पार्क कर दिया था, फिर कौवे हगे जा रहे हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गाड़ी गंदी हो रही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे लिए जो मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए एक्साइटमेंट होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन वो जो थोड़े टाइम के लिए होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या बोलते हैं लड़के लोग, रेडी है? Ready. अपनी गाड़ी एकदम खूबसूरत आनी चाहिए। शफीक चलाएगा बाइक, पीछे बैठेगा ये, इसके हाथ में है हमारा कैमरा A7C 1635 2.8 लेंस, 100 FPS पे शूट होगा, और उसको आपको हम दिखाएंगे स्लो मोशन में। खूबसूरती देखिए। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down, you get through the storm. Even the nights, the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound that's all in me, in me.
कैसा लगा बीरोल शॉट्स हमारी नई फॉर्च्यूनर का? ये गाड़ी ना इतनी भारी भरकम, मतलब फुल ऑन बीस्ट। इसको ना कोई बोल नहीं सकता कि भाई बड़ा क्यूट है। ये क्यूट नहीं है भैया, ये एकदम वो जल्लाद होता ना एकदम खतरनाक, वैसा इसका पूरा लुक है और वैसा फील है इसका। अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रैंड हयात, तो वहां पर हमारा एक दोस्त आया हुआ है यूके से, यूनाइटेड किंगडम, पता है ना, उत्तराखंड से आया हुआ है। मुझे लगा असली वाला यूके की बात कर रहे हो। गाड़ी पहले पार्किंग करनी पड़ेगी। जो यूके से हमारे दोस्त आए हैं वो है अनुराग, जानते होंगे आप, ये काफी अभी मचा रहे हैं, छाए हुए हैं उत्तराखंड में, छाए हुए हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में। स्पोर्ट्स बाइक से ये राइड करते हैं, हम राइड करते हैं टाइगर से, क्योंकि हमें चाहिए कंफर्ट। तुमको कंफर्ट कहाँ से मिलता है? एक तो कांडी एक तो आदमी कांडी, ऊपर से इतनी खतरनाक बाइक कैसे चला लेते हो भाई? मेरे को सलीम भाई हमेशा से था कि मेरे को ना स्पोर्ट्स बाइक में ट्रैवल करना है। ऑनेस्टली बीएमडब्ल्यू 1250 नहीं पसंद, कंफर्टेबल मुझे लगता है कि नहीं मजा आता, तो फिर आई ऑप्टेड। मजा नहीं आता? हमें चलाया हो? हमें चलाया, मेरे पास आई ऑलरेडी ओन अ 300 बीएमडब्ल्यू। ये बैक पेन नहीं होता है? होता है, मेरा 310 में होता है, सच्ची बता रहा हूं। हाथ नहीं दुखता है? हाथ दुखता है मेरा 310 में, दर्द में मजा है। मतलब मजा आता है कि मैं 5-6 घंटे चलाता हूं तो उतने में कंप्लीट हो जाता है हाईवे पे। ओ तुम वो वाले हो जो पेन में प्लेजर आता है। मैं 10 आवर पे 800 किलोमीटर खींच लेता हूँ एक दिन में। भाई साहब भैया वो जो है ना बॉटल, उसके ढक्कन में थोड़ा सा पानी निकाल, चुल्लू भर पानी निकाल। बड़े यार काफी अच्छा लगा मेरे को, हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब ऐसा था कि मतलब मैं इनको जानता भी नहीं था। मैं एयरपोर्ट पे था तो मैंने सलीम भाई को बोला मैं बिग फैन, भैया एक बारी प्लीज मिलने आ जाओ, एक फोटो खिंचाना है। मैं उस टाइम लॉक करता था, बट फैन बॉय वाला मोमेंट ना अलग होता है। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम, तो जब आप उन लोगों को देख करके इंस्पायर्ड होते ना कि भाई इन लोगों ने व्लॉगिंग शुरू करी एंड वी आर लाइक टेकिंग इट अहेड, एंड जब आप उनके साथ बैठ करके व्लॉग कर रहे होते ना और उन्हीं के व्लॉग में आ रहे होते हो तो सीन्स कुछ अलग होते हैं भाई। चलो दोस्त मिलेंगे वापस, बहुत अच्छा लगा, फिर से मिलेंगे, बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। रोड ट्रिप पे, जो रोड ट्रिप है ना मेरा, वो मेरा एक ड्रीम ट्रिप है, तो उसके लिए काफी ज्यादा मैं लगा हूं, तो उसमें तो काफी मचाएंगे पक्का पक्का। आप उत्तराखंड जाएंगे, हम बैंड बाजा एस्कॉर्ट के साथ सलीम भाई के साथ बंगड़ा पाओ। चलो ओहो, एक माला चढ़ के बैठना पड़ता है, ओ पैर फंस गया मेरा, सेकंड फ्लोर पे आ गए। अभी हम बात करेंगे कि वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हमने फॉर्च्यूनर को परचेस किया। सबसे पहला जो मेरा रिक्वायरमेंट था वो था 4x4 का, तो मैंने 4 गाड़ी शॉर्टलिस्टेड की थी, जिसमें था जीप, फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लॉस्टर, XUV 700। तो मैंने चारों गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया, आप लोगों ने देखा। सबसे पहली चीज जो मैं देख रहा था वो था पावर, बिकॉज ये गाड़ी लॉन्ग ट्रैवल पे जाने वाली थी। पावर की जहां तक बात रही, सबसे कम जो बीएचपी था वो था जीप का, उसके बाद XUV 700 का मेरे ख्याल से 197 बीएचपी होगा, फॉर्च्यूनर का 201 बीएचपी था, एमजी ग्लॉस्टर का था 215 bhp, जो कि सबसे ज्यादा था। बट जब मैं गाड़ी को चला रहा था ना, वो पावर फील नहीं हो रहा था, पावर की डिलीवरी फील नहीं हो रही थी, पावर की डिलीवरी फील हो रही थी फॉर्च्यूनर में। फॉर्च्यूनर का जो इंजन था वो सबसे बड़ा था, 2.8 लीटर, और बाकी गाड़ियों का मेरे ख्याल से 2 लीटर इंजन होगा। थार को मैंने सिलेक्ट नहीं किया इस लिस्ट में, बिकॉज थार का पावर बहुत कम है। दूसरा Isuzu को मैंने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो फैमिली कार नहीं है, Isuzu पिकअप ट्रक है। मुझे जो कार चाहिए था उसका दूसरा पॉइंट था फैमिली, फैमिली के लिए जीप थोड़ी छोटी पड़ रही थी, ग्लॉस्टर सबसे नंबर वन पे, क्योंकि ग्लॉस्टर में सबसे ज्यादा स्पेस था। महिंद्रा XUV 700 उसमें भी था लेकिन कम था। फैमिली के लिए सबसे पहले नंबर पे था MG ग्लॉस्टर, दूसरे नंबर पे था फॉर्च्यूनर, तीसरे नंबर पे था XUV 700, चौथे नंबर पे था जीप। तो यहां पर ग्लॉस्टर जीतता है। द मेन थिंग जिसके वजह से टोयोटा फॉर्च्यूनर को लिया गया है वो है मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी। XUV 700 अभी मार्केट में नया है, उसकी रिलायबिलिटी का कुछ नहीं कह सकते। महिंद्रा की रिलायबिलिटी है बट XUV 700 की रिलायबिलिटी आई डोंट नो। ग्लॉस्टर को आके मार्केट में 2 साल ही हुआ है तो उसकी रिलायबिलिटी का उतना मेरे को अश्योरेंस नहीं था। जीप की रिलायबिलिटी है बट मेंटेनेंस कॉस्ट उसका ज्यादा है। सबसे कम मेंटेनेंस जो है इन गाड़ियों में वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर का, और रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा जो है वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर की। तो यहां पर टोयोटा फॉर्च्यूनर जीतता है मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी में। तो ये वो रीजन है जिसके वजह से मैंने टोयोटा फॉर्च्यूनर लिया। अब पार्टी का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 8:30। शफीक मेरे साथ है और अभी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं शफीक? पार्टी करने जाएंगे फैमिली के साथ। अभी मुझे जाना है अपने दूसरे वाले घर पे, वहाँ पर डैड को पिक करना है, समीर, मुनाफा, सुफियाना, देन सब मिलके जाएंगे भिवंडी। भिवंडी एक ऑप्शन है। हाँ आ जाओ, आ जाओ, रेडी आ जाओ, डैडी सामने बैठेंगे। सुफी हेलो, ताली दो। क्या बात है, एक माला चढ़ के बैठना पड़ रहा है सबको। आ चुके हैं भाई हम नई गाड़ी, अभी ये परफेक्ट गाड़ी है हमारी फैमिली के लिए। बोलो, थोड़ी छोटी पड़ रही थी। इसके पीछे भी जगह है, पीछे वाला अभी भर नहीं रहा, हम मम्मी आएंगे तो पीछे वाला भी भर जाएगा। तुम्हारी जगह पता है कहाँ होगी? सबसे पीछे वाले, सबसे पीछे, और भी सीट है पीछे सूफी के लिए, एकदम मस्त सीट है, पतली सीट है, ये भी एक सीट है, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। चलो चले सूफी वाला, लेट्स गो, लेट्स गो। मम्मी का फोन, हम लोग जस्ट निकले और मम्मी का फोन आ गया, माशाल्लाह कट हो जाएगा। उठा 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 उठा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं अभी? सोने को जा रहे थे। नई गाड़ी आ गई, जा रहे खाना खाने के लिए, तुम हो ही नहीं यहाँ पर, फैमिली पूरी मिस कर रही है आपको।
तो हम लोग अभी भिवंडी तो पहुंच गए। ढाबा कौन सा जाना डिसाइड हुआ है? हाँ। कौन सा? करिश्मा। करिश्मा या कौस्तिक? करिश्मा क्योंकि वो छत है। छत है। छत है? हाँ। फैमिली के लिए अलग से बनाया गया मतलब है। अलग, हाँ, हाँ, अलग। अरे तो जल्दी बताओ, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? पहले स्वास्तिक है, पहले स्वास्तिक ट्राई करते। ट्राई करते क्या होता है की वहाँ खाना खाके ट्राई करके फिर वहाँ जाएंगे? नहीं, स्वास्तिक में तुमको वो टेरिस नहीं मिलेगा। आदत नहीं है अभी पहले माले से उतरने की, आदत डालनी पड़ी। आओ बैठो बैठो, सब लोग बैठ जाओ, एंजॉय। ऑलराइट, इतना भूख लगा था कि आते आते हमने गाड़ी में ही मेन्यू सब डिसाइड कर लिया कि क्या क्या ऑर्डर करना है, टाइम वेस्ट ना हो। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए क्या ऑर्डर किया? पलट चना, पलट चना, पापड़, व्हाइट सॉस, एक स्पाइसी मुर्ग मसल्लम या कुछ भी और, हम देखते हैं बाकी। उसके बाद हाँ जो भी आएगा आपको दिख जाएगा इस टेबल पे, बने रहे। हाँ, पार्टी शुरू होने वाली है। हमारे साथ एक गेस्ट और है, मैं आपको बताना भूल गया। हेलो हेलो क्यूरी, क्या नाम है आपका? फ्रेमोडिस। नो, ओके बाय। पहला डिश हमारा आ चुका है, चना। ये डिश नहीं ब्रो, पापड़। क्या डिश नहीं, ये टाइम पास है। तो लो सूफी, सबको दो, वो मैडम को भी दो। हेलो मैडम, सॉरी सो डिस्टर्ब मत करो। आ चुका है, क्या आया अपने पास? सफिक, व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस बचा है, बचा अभी। चना आज खत्म नहीं हुआ है, ये व्हाइट सॉस है। पिछले एक महीने से आई गेस, एक डेढ़ महीने से मैं यहाँ तक नहीं खाना खा रहा था, मैं खा रहा था सिर्फ यहाँ तक थोड़ा थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा वेट में भी फर्क आया था। और आज यहाँ तक खाया है और खाना खा के खत्म हो गया। सूफी क्या है डेजर्ट में? सीताफल। ये सीताफल इन लोगों के लिए है, ये फैमिली। हमारा सीताफल फिनिश, कला फिनिश। पार्टी हमारी हो चुकी है खत्म, पेट पूरा भर चुका है। सबसे बढ़िया जो था ना वो फैमिली के साथ वक्त, चाहे खाने का बहाना हो या पार्टी का बहाना हो, ये जो वक्त होता है ना ये बहुत कीमती होता है। फुल जा सिम सिम। आ जाओ जाओ सारे, आ जाओ सारे, आ जाओ, आ जाओ सूफी, आ जाओ आ जाओ। मुजफ्फराबाद, कानपुर, लखनऊ, बांद्रा, अंधेरी, दादर। माहिम सरकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो भाई, घर पे पहुंचते पहुंचते 2 बज चुके हैं। 6 बजे जाना है मुझे जय के साथ में। मेरा म्यूजिक वीडियो शूट जो हमने किया था पहले दिन, उसमें सिर्फ 40% ही हुआ था, अभी 60% बचा है, तो पूरा दिन हेक्टिक होने वाला है। अगर मैं अभी सोऊंगा, चलो ठीक है अभी तो एडिट भी करना है, 1 घंटे में भी अगर मैं सोऊंगा, लेकिन 1 घंटे में मैं सो नहीं पाऊंगा। 2-3 घंटे की नींद तो जरूरी है यार, नहीं तो पूरा दिन मेरा ऐसे इरिटेट होगा। बाकी ठीक है, अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी आप कहना चाहते हो कॉमेंट के थ्रू कहिएगा, मैं पढ़ता हूँ मैं। बाकी एकदम बढ़िया, कल मिलते हैं। थैंक यू बड़े, आई विल सी यू सोन, शलो बड़े, खुदा हाफिज़, लिव लाइफ, लिव अ ड्रीम। क्या कर रहा था पे? हेलो मैडम, सॉरी सर, डिस्टर्ब मत करो। मैडम ही है, हमने चेक कर लिया मैडम है, बहुत तेज हो रही है तुम्हारी, और यहाँ तक कि वो अभी जस्ट कुछ ही दिनों पहले बच्चा दिया।